आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवा केयर मायो टैबलेट की। ओवा केयर मायो टैबलेट का उपयोग कब किया जाता है, डॉक्टर कब प्रिस्क्राइब करते हैं, संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ओवा केयर मायो टैबलेट के अगर उपयोग की बात की जाए तो इसका उपयोग महिलाओं के लिए किया जाता है और महिलाओं से जुड़ी जो समस्याएं हैं, जैसे पीसीओडी पीसीओएस की समस्या है, यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज होती है या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो होता है, उसे ट्रीट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बच्चादानी में जब गठान हो जाती है, सिस्ट भी कहते हैं जिसे, तो इन कंडीशन को ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा अगर फीमेल में मेल हार्मोन की बढ़ोतरी हो गई है तो उसे कम करने के लिए भी डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। एक की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए किया जाता है ताकि महिलाएं कंसेप्शन कर सके इजीली और माँ बन सके। इसके अलावा ये टेबलेट वेट को बैलेंस भी करती है। जिन महिलाओं में थायराइड है तो थायराइड को भी बैलेंस करती है। डायबिटीज के अगर पेशेंट है और ऐसी महिलाओं को अगर पीसीओएस की समस्या है या इनफर्टिलिटी है तो डायबिटीज की पेशेंट में भी ये टेबलेट दी जा सकती है। इसके अलावा पीरियड अगर इरेगुलर रहते हैं तो इन सभी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा महिलाओं को ये टैबलेट दी जाती है। अगले उपयोग की अगर बात करें तो फ्रेंड्स, इस टैबलेट में उपस्थित जो विटामिन्स है या मिनरल्स है उनका उपयोग गर्भावस्था संबंधी खनिज की अगर कमी होती है महिलाओं में तो गर्भावस्था में इस टैबलेट को दिया जाता है ताकि प्रेगनेंसी अच्छे से बनी रहे और उसमें किसी भी तरह की कमी ना रहे। इसके बाद पाचन संबंधी विकारों को ट्रीट करने के लिए भी किया जाता है। विटामिन्स की अगर शरीर में कमी है, खनिज से संबंधित अगर अपर्याप्त पोषण है, इसके अलावा मिनरल्स की कमी है, तो ये सभी समस्याओं की रोकथाम के लिए, नियंत्रण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बात करेंगे डोज की तो इस टैबलेट का जो डोज है डॉक्टर द्वारा डिसाइड किया जाता है पेशेंट की कंडीशन पर कि इसे किस तरह देना है। फिर भी अगर कॉमन डोज की बात करें तो इसे दिन में एक बार दिया जाता है। अगर प्राइस की बात करें तो ये 12 टैबलेट की स्ट्रिप होती है जो कि 295 रुपए की मिलती है। इसके अलावा थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा इसका प्राइस हो सकता है। कुछ साइड इफेक्ट सामने आते हैं, जैसे पेट की खराबी होना, पेट दर्द बना रहना, सरदर्द रहना, मुंह का स्वाद चेंज हो जाना। दवाई को कब नहीं लेना है तो अगर आप हाइपर सेंसिटिव है इस दवाई के लिए, बहुत अधिक संवेदनशील है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें, उस दवाई को ना लें। बात करेंगे ये दवाई किन किन दवाइयों से मिलकर बनी है तो ये मल्टी विटामिन्स मल्टी मिनरल्स है जिसमें मायो इनोसिटोल है, एल मिथाइल फोलेट है, एल आर्जिनिन, विटामिन D3 है जो कि हड्डियों की मजबूती को प्रदान करती है, क्रोमियम है, इसमें जिंक है, सेलेनियम उपस्थित है, कुछ एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल है। इस दवा का प्रयोग करने से पहले अपने चिकित्सक को अपनी वर्तमान दवाई की जानकारी दें। इसके अलावा अगर विटामिन्स हर्बल सप्लीमेंट आदि कोई चल रहे हैं, अगर एलर्जी है आपको, यदि आपकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होता या आपकी हालत ज़्यादा खराब हो रही है तो अपने चिकित्सक को ज़रूर बताएं और इस टैबलेट को लेना बंद करें। ईश्वर से आपके स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।